आइए समय हम निकालेंगे रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसका 22वां अध्याय का हम सब मिलकर के निकालें और उसके हम 6 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड। हाँ, फिर उसने मुझसे कहा विश्वास के योग्य और सत्य है। बाल बता तो यूहन्ना पत्मुस टापु के ऊपर आया और वहां से उठा के परमेश्वर उसको स्वर्ग लेकर के गया। अब यूहन्ना इस बात को लिख रहा है और लिख करके कहता है कि फिर उसने मुझसे कहा। किसने कहा, किसको कहा? कहता है उसने मुझसे कहा, है ना, किसको कहा, किसने उससे कहा, किसने किसे कहा, है? किसने कहा? स्वर्गदूतों ने यूहन्ना से कहा। क्या कहा? ये बातें विश्वास योग्य है और सत्य है। हालेलुया। जो बातें मैं बता रहा हूं ये विश्वास योग्य है, जो बातें मैं कह रहा हूं इस पर विश्वास के योग्य है, ये अटूट है, ये सत्य है। हालेलुया। कहता विश्वास योग्य है, सत्य है। और कहता है प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है वो अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा है कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। आमेन। शीघ्र होना अवश्य है वो उसको दिखाए। हर एक बार, हर एक वर्ड, हर एक वचन का पूरा होना निश्चय है। हालेलुया। एक एक वर्ड जो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया, जो रेवलेशन में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा है, कहता है वो बातें विश्वास योग्य है और बातें सत्य है और इसका पूरा होना अवश्य है। हालेलुया। क्या लिखता है? प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को ये बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। 7वां वचन कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट थिंग्स कहता है ये बातें विश्वास योग्य है, ये बातें सत्य है। एक दूसरे को देख कर कहे जो बातें लिखी गई है वो विश्वास योग्य है, जो बातें लिखी गई है वो सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। इस पर अमल करे, इस पर बिलीव करे, वचन पे खड़े हो जाओ, वचन को लेकर के अपने जीवन की तैयारी कर लो कि जो बातें कही गई है वो पूरा होगा, जो बातें बताई गई है परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। आमेन। हालेलुया। फिर कहता है 7वां वचन जो पहला पॉइंट है इसका, कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। हम बात जो थे खुदा का कि मेरा दूल्हा आने वाला है, बादलों के ऊपर आने वाला है। हालेलुया। मतलब जब आपको मालूम है मेरा दूल्हा आने वाला है तो आपकी क्या तैयारियां है? हेलो, हेलो। जब एक लड़की की शादी दूसरे लड़के से होने वाली होती है तारीख तय की जाती है, फिक्स की जाती है, राइट? और जब तारीख फिक्स की जाती है तब दुल्हन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, मेरा दूल्हा आने वाला है, मेरा दूल्हा आने वाला है, मेरा ब्याह होगा। और वो पूरी तैयारियां करती है, राइट, है ना, कपड़े खरीदे, सामान क्या करेंगे, ये करे ये करे, घर की सरा सवारना सजाना, कितनी सारी तैयारियां। क्यों मालूम तैयारियां क्यों? क्योंकि वो उसको मानना है मेरा दूल्हा आने वाला है और मुझको ब्याह करके अपने घर ले जाएगा। वैसे ही बाइबल बताता है यीशु जो मेरा और आपका दूल्हा है वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमेन। बोले दूसरे से आपका दूल्हा शीघ्र आने वाला है।
हालेलुया, वो शीघ्र आने वाला है। तो पृथ्वी अर्थली दुल्हन जब अपने दूल्हे के इंतजार में रहती, पूरी पूरी तैयारियां करती, कपड़े खरीदती, अपने आप को संवारती, न जाने क्या क्या चीजें करती, क्योंकि उसका विश्वास है, वो मानती है मेरा दूल्हा आएगा, मुझे ब्याह करके ले जाएगा। तब बाइबल बताती ये बातें विश्वास योग्य है, ये बातें सत्य है कि तेरा दूल्हा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन की तैयारी कर लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो, आपका दूल्हा आने वाला है। मालूम अर्थली दूल्हे के लिए न जाने दुल्हन कितनी सारी तैयारी करती, ब्यूटी पार्लर जाती, अच्छे से ब्यूटिशियन को बुलाती, अपने आप को संवारती, मैं कहता देह में सी कहता चेहरे पर कोई दाग ना हो, मैं सबसे सुंदर दिखूं, जब मेरा दूल्हा मेरे सामने खड़े हो तो मेरे मुझे देख करके कहता है वो आकर्षित हो जाए, मुझे देख करके वो आनंद से भर जाए, मुझे देख करके ब्याह करे और अपने घर में मुझको ले जाए। इसके लिए ना जाने कितनी तैयारियां करती है, वो बहुत ही ज्यादा अपने घर को संवारती, वो अपने परिवार को पूरी तरह से लगा देती, ये करो ये करो, यहां पर लगा दो, कितनी सारी तैयारियां सिर्फ एक बात के लिए, मेरा दूल्हा आएगा अब मुझे ब्याह करके ले जाएगा। हालेलुया, अच्छा से अच्छे वस्त्र को जाके मार्केट से खरीदती, महंगा से महंगा क्रीम से अपने आप को सुंदर संवारती, एक ही चीज, मेरा दूल्हा आएगा मुझे ब्याह करके ले जाएगा। आपको मालूम है जब दूल्हा आएगा तो चुनाव करेगा। कई बार हमने टीवी के अंदर देखा, एक दूल्हे के लिए न जाने कितनी दुल्हनियां होती है, राइट, और उसमें से दूल्हा चूज करता है मैं किससे ब्याह करूं, है स्वयंवर रचा जाता है, स्वयंवर, ये स्वयंवर के समान होगा। सब लिए नहीं जाएंगे जो बहुत सुंदर है, सुंदरता वो नहीं कि आप अच्छे दिखो, अंदरूनी सुंदरता। मैंने आज आपको पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय उसका चार वचन से बताना कि वो मन की सुंदरता, मन की सजावट, अंदरूनी सजावट को देखता है। सामने से परमेश्वर ने कहा मानस बाहर का रूप देखता है, पर मेरा देखना मनुष्य का देखना नहीं है, मैं तो अंदरूनी मनुष्यत्व को देखता हूं कि वो अंदर से कितना खूबसूरत है। हालेलुया, ये दिन में बाहर की दुनिया की चकाचौंध में अपने आप को मत डुबा लो, पर दिन रात खुदा के चरणों में उसकी संगति में बैठो, अपने आप को आत्मिक जीवन में सजाओ, अपने आप को आत्मिक जीवन में तैयार करो, क्योंकि बाइबल में आपका दूल्हा कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और जो दुल्हन तैयार है, वो जो अपने आप को सजाई है, कहता है बरातियों के साथ दूल्हा आएगा और ब्याह करके उसको ले जाएगा। यहूदा के पुस्तक में लिखा है वो लाखों करोड़ों संतों के साथ, बरातियों के साथ दूल्हा आएगा। कहता आसमान में धूम मचेगी, कहता तुरिया फूकी जाएगी, बाजे गाजों के साथ वो आएगा, और कहता पृथ्वी के एक छोर से पृथ्वी की दूसरे छोर तक वो सबको इकट्ठा करेगा, उस दुल्हन को जो तैयार है, वो दुल्हन जो सजाई है, वो दुल्हन जो अपने आप को दूल्हे के लिए तैयार करके रखी है, वो कहता दूल्हे के साथ बरातियों के साथ अपने सदा के मुकाम में, अपने इटर्निटी के जीवन में वह इंटर होगी और दूल्हे के साथ युगान युग के साथ रहेगी। आमेन, हालेलुया। क्या तैयारियां हैं आपकी, क्या प्रिपरेशन है आपकी, आपका दूल्हा हमारा दूल्हा शीघ्र आने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा मेरे प्रियो कुछ कुछ चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे लिखता है सातवां वचन, कहता है धन्य है वे जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हालेलुया, फर्स्ट कहता पहली बात है धन्य है वे जो इस पुस्तक के भविष्यवाणी की बातों को मानता है। एक दूसरे को देखकर कहो इस बाइबल की भविष्यवाणी की बातों को मानो, यदि आप मानेंगे
आप धन्य कहलाएंगे। आमीन, हालेलुया। केवल मानने में आप धन्य हैं, मानो उसको, अमल में लाओ और जैसा ये कहता वैसा करते जाओ, आप धन्य होंगे इस पृथ्वी के ऊपर, आपका भला होगा इस पृथ्वी के ऊपर, आप दूल्हे के लिए तैयार होंगे मानने के द्वारा। कहता है शमूएल से कहा, मानना तो बलि चढ़ाने के बराबर है, परमेश्वर और किसी बात से प्रसन्न नहीं होता, यह कि वो उसका बात माने। आमेन। देखो और क्या कहता है, पहला रेवलेशन की पुस्तक पहला अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके दो वचन, पहले तीन वचन। हाँ, पहले कहता है कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी की बातों को मानता है। पहला भविष्यवाणी की बातों को मानता है, भविष्यवाणी जो की गई है, मालूम यूहन्ना के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। हालेलुया, वो शीघ्र आने वाला है भविष्यवाणी। तो कहता है जो भविष्यवाणी की बातों को मानता है, जो एमने ले लेता, ठीक है देखा जाएगा, ठीक है तैयारी कर लेंगे, हाँ ठीक है आएगा तब देख लेंगे। कहता है ऐसे लोग रह जाएंगे, पर जो जीवन की तैयार मान करके, उसके बातों को मान करके, यदि आपका आपके साथ किसी का ब्याह होने का तय हो गया तो बोला ठीक है तो आएगा तब देख लेंगे, तब आएगा तो शादी कर लेंगे, ऐसा होता है, है? तो हम क्या करते हैं, पूरी तैयारियां, पहले से पूरी तैयारियां। तो अर्थी दूल्हे के लिए इतनी तैयारियां, तो स्वर्गीय दूल्हे के लिए कितनी तैयारियां हमें करनी होगी। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को मानता है। शेखर जी दूसरी बातें कहता है, धन्य है वह पहला कहता है बातों को मानता है, फिर कहता है दूसरा इस भविष्यवाणी बातों को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को जो पढ़ता है क्या क्या लिखा है, क्या क्या तैयारियां मैं कर लूं, मेरे जीवन को किस रीति से सजाना है। मालूम जब ब्याह होने से पहले लिखा पड़ी होती है, क्या देंगे और क्या लेंगे, कौन सा कपड़ा कहाँ पर कब पहनाएंगे, है ना, बेटी का साइज देख लो, हर चीज पूरी तरह से कहता है उनको सिखाई जाती है, बताई जाती है, स्थान बताया जाता है, हम यहाँ मिलेंगे, आप ये समय आना, हम ये समय आएंगे, कितने लोग आएंगे तो इतने लोग आएंगे, हर चीज। और यदि वो बातों को ना माने और उसके अनुसार ना करे तो ये ब्याह रद्द गिना जाता है, राइट, आई एम राइट। तो कहता है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों पर, अर्थली ब्याह में कितनी जारी तैयारियां और सावधानियां, सतत नरे बाबा, हम आधा घंटा पहले पहुंच जाएंगे, दूल्हे को यदि खराब लगे तो, बारातियों को बुरा लगे तो, हम वो आज और हम ना पहुंचे तो कितना हमारी फज्जत हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, राइट, हेलो, कितनी सावधानियां हम बरतते हैं, कितनी सतर्कता हम बदल बरतते हैं अर्थली दूल्हे के लिए। आप सोचो वैसे अरबों और खरबों दूल्हा कुर्बान है उसके लिए, क्योंकि वो दूल्हों का भी दूल्हा है, हजारों करोड़ों दूल्हों का दूल्हा है। आमीन। तो उसके लिए हमें कैसा सजगता और सावधानी बरतना है। फर्स्ट कहता है धन्य है वे, मानो अभी बीच में पास्टर अमोल सिंह साहब का मीटिंग हुआ अहमदाबाद में, एक सिस्टर ने मुझको बोला कि आप मेरे घर उनको खाना के लिए कराना, तो मैंने को कहा ठीक है लेके आऊँगा, बहुत आग्रह किया उन्होंने, कई समय पहले से उन्होंने मुझको बोल दिया था कुछ भी करके प्लीज़ मेरे घर लेके आना, मैंने अच्छा ठीक है। तो मीटिंग के तीन दिन चार दिन पहले मैं उनके घर भी गया, उनसे बात किया, हमारे सब फिक्स हो गए। फिर मीटिंग के एक दिन पहले उनका फोन आया, पास्टर साहब क्या सच में वो आएंगे ना, तो मुझको उसके सवाल में तुम बड़ा पड़े, ये क्या बात कर रहे हो, अरे क्यों आप शंका कर रहे, मैंने से बोला क्यों आप शंका कर रहे हो, मैंने कह दिया कि वो आएंगे तो आएंगे, क्यों आप शंका करें, क्यों आपको शंका हो रही है, विश्वास क्यों नहीं हो रहा आपको, अरे सॉरी 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 पास्टर साहब सॉरी मैं मानती हूँ आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब
कि ऐसी शंकाओं में न रखे। कहता है धन्य है वे जो भविष्यवाणी की बातों को मानता है कि वो आएगा। बोले दूसरे से वो आएगा, बोलो मेरा दूल्हा आएगा। वो मान लो इस बात का, मान लो ये भविष्यवाणी आपके लिए है कि स्वर्ग का दूल्हा जो करोड़ों और खरबों में एक है, आपके दूल्हे के जैसा और कोई दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा आपसे ब्याह रचाने आ रहा है। क्या मालूम, जब हमारी दोनों की शादी होने में बहुत एक्साइटेड था, मेरी पत्नी भी एक्साइटेड होगी। हाँ, मेरी पत्नी एक्साइटेड थी कि नहीं? वो सबकी कहानी है। जैसे शादी की बात है तो मन में लड्डू फूटने लगे। कैसा होगा, क्या होगा, मैं बहुत एक्साइटेड था। चलो हमारी शादी हो रही है, हालेलुया। और बहुत सारी बातों को सोचा, बहुत सारी टेंशन भी था, परंतु बहुत सारी हमने सोचा ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पहले से पूरी तैयारियां करके हमने रखा। हालेलुया, हालेलुया। और पूरी प्रिपरेशन के साथ वहाँ पर गए और हमारी शादी हुई। सोच लो मेरे पियो, ऐसे ही जरा भी शंका में ना रहो। कहता है धन्य है वे जो भविष्यवाणी की बातों को मानता है। हालेलुया, आपका दूल्हा ने सब लिख दिया है, लिख कर दे दिया है। क्या लिखता है यूहन्ना, इसको निकाल के लिखो। और यूहन्ना में पहला, यूहन्ना पहला अध्याय उसका 1-2-3 वचन, पहला यूहन्ना। हाँ, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था जिसे हमने सुना। यूहन्ना लिखता है जो आदि से था, जिसको मैंने सुना और जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा जिसको हमने ध्यान से देखा। पहले क्या लिखता है, मैंने सुना, फिर कहता है मैंने देखा, और फिर कहता है बड़ा सुनिए बेटा, इधर पूरी खातिरी लेकर के जाओ यहाँ से। क्या कह यूहन्ना लिखता है इस यीशु के लिए, जो आदि से था, मैंने जिसको बारे में सुना कि वो है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है, वो है। इब्रू 11 और इसका 6 वचन लिखता है कि जो उसके पास आए उसको ये मान लेना है कि वो है। एक दूसरे को देख के बोलो, आपका दूल्हा है, वो ये काल्पनिक नहीं, वो सचमुच में रियल में है। बोलो, ये काल्पनिक नहीं है, सचमुच में रियल में आपका दूल्हा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है जी, मैं आदि से था, जिसको मैंने सुना और फिर मैंने देखा। खातिरी ले लो, जो यूहन्ना लिख रहा है कहता है मैं सुना और मैं उसको देखा हूं। आमेन, कहा देखा, वो स्वर्ग में। कहता है उस प्रज्वलित यीशु को जाकर के देखा, मेरे और आपके दूल्हे को। बन अभी हम दोनों की जैसी शादी बात हुई तो हम कुछ रिश्तेदारों को लेकर के, जो मेरे बहुत करीब थे, हम जा करके बातचीत करें, या फिर कोई भी जिसकी दूल्हे दुल्हन की बात हो तो दूल्हा दुल्हन बात करने नहीं जाता, पर कौन जाता है हमारे वडील जाते हैं, और वडील जा करके क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। हालेलुया, फिर आके बोलते हैं हाँ हाँ देखा, आपकी दुल्हन को मैंने देखा, हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, अरे उसकी हाथ बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छी बात करती, चाय लेकर आई थी, पानी लेकर आई थी, हाँ व्यवहारिक है वो, हाँ बहुत अच्छे से बात करती है, उसको देख कर आया, दूल्हे को बता तो मैंने देखा, या फिर दुल्हन दुल्हन को जाकर दूल्हे, तेरा दूल्हा बहुत अच्छा देखा हो, कितना सभ्य वो। तो यूहन्ना कहता है मैंने उसको देखा, हाँ आगे फिर कहता है और ध्यान से देखा। अरे वाह, इसकी आंखें कितनी सुंदर, ध्यान से देखा, चारों तरफ देखा, और आकर के दुनिया को बता रहा है मैंने दूल्हे को ध्यान से देखा।
आमेन। हालेलुया। क्या कहता है, दूल्हे को मैंने ध्यान से देखा। आगे आगे हाँ। और हाथों से छुआ। मालूम इतने में संतुष्टि नहीं है, पर क्या कहता है, मैंने उसको मतलब कोई कोई सपना तो नहीं देखा। कभी 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 ऐसा होता है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बाप रे, इतना सुंदर मिल गया। कभी कभी कोई तो कोई कोई मिल जाएगा, पर कभी सोच रही इतना सुंदर मिल जाएगा, उसको उसको सपना जैसा लगता है। इतना सुंदर, इतना पढ़ा लिखा और इतना सैलरी वाली, बोले बाप रे बाप। कोई सपना चिट्ठी काट के देखती, बोले सच में तो सपना तो नहीं देखती। तो कहता है फिर बात में जो युना को कहता है कि संतुष्टि नहीं हुई, तब क्या कहता है, जिसके साथ मेरी ब्याह होने वाली सब असली है, वो असली है। तो कहता छू कर देखा और कहता हाँ सही है और असली है, सत्य है, विश्वास करने योग्य है, यही मेरा दूल्हा है। हालेलुया, यही मेरा दूल्हा है। आमेन, बोलो यही मेरा दूल्हा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो अब बाइबल बताती, खुदा कहता है कि उसने सुना, फिर उसने देखा और ध्यान से देखा और छू कर देखा, और फिर कहता है कि वो शीघ्र आने वाला है। आमेन, हालेलुया, वो शीघ्र आने वाला है। हाँ, फिर वापस कहता है, फिर कहता है धन्य है वे जो भविष्यवाणी की बातों को मानते हैं। दूसरा कहता है धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है। हालेलुया। दूसरी बात कहता है कि पढ़ता पढ़ो, देखो क्या क्या तैयारी करना है। मानो हम जब शादी के समय करने के लिए बैठते तो डायरी होती है, है ना, डायरी में सब बड़ी लोग हमारे बीच बैठे हुए बड़े लोग बताते, सब लिखा पढ़ी कर लिखे मुकर जाए तो है हमारे को बोलाता है ऐसा, है ना। तो इसलिए पूरा लिख करके इसकी तैयारी करते हैं, राइट। हालेलुया। और जरा भी आना कहानी करे तो डायरी निकालते, देखो फलाना तारीख फलाना समय में हमने सब लिख दिया है, राइट। हालेलुया। और लिखा हुआ कोई इसको काट नहीं सकता, लिखा हुआ है सबके सामने की साइन रहती है उनकी। इसलिए यूहन्ना सब कुछ लिख के कह रहा है, मैंने हर चीज लिख दिया है। और कहता है आकाश और धरती डर जाएंगे, पहाड़ और पृथ्वी डर जाएंगे, पर बाइबल बताते हैं खुदा के कलाम, उसके वादे, उसके प्रॉमिस नहीं डरेंगे। वो जो कह दिया है वो उसको करेगा, करेगा। अब बाइबल कहता है धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की बातों को मानता है, और धन्य है वे जो इसको पढ़ता है, और आगे और वे जो सुनते हैं। हालेलुया। तीन बातें कहता है, पहली कहता है धन्य है वे जो मानता है, धन्य है वे जो पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनता है। यदि आप धन्यता को पाना चाहते हो, यदि आप प्रभु के आगे धन्य बनना चाहते हो, तो इस भविष्यवाणी की बातों को आप मानो, उसको यमने ग्रांट मत लो। देखा जाएगा, हाथी के देख लेंगे, आएगा तो सोचेंगे ना ना ना। मान के पूरी तैयारी कर लो, मान लो और उसकी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि ये शादी कुछ ऐसा वैसी शादी नहीं है। पूरे विश्व में, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि और पूरे स्वर्ग की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। आमेन। बाइबल में दो शादी के बारे में बताती है, एक शादी हो गया है, दूसरी शादी होने वाली है, और ये पूरी कायनात की, पूरी स्वर्ग की सबसे बड़ी ब्याह है जो होने वाली है। आमेन। कहता है आसमान में धूम मचने वाली है, करोड़ों स्वर्ग दूत और संतों के साथ मेरा और आपका दूल्हा आने वाला है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आप मानो कि आपका ब्याह होने वाला है। आमेन, हालेलुया। हाँ, वापस हम जाएंगे कुछ चीजें में आपको। लुका रची सुसमाचार को पढ़ लीजिए, लुका रची सुसमाचार 11:28। उसने कहा हाँ, परंतु धन्य है वे, परंतु हाँ, परंतु धन्य है वे परमेश्वर का वचन सुनते, जो परमेश्वर के वचन को सुनते और
मानते हैं, जीसस की ये वर्ड है। हालेलुया, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। रेवलेशन 1 और उसका उसी का 3 का लास्ट वचन को पढ़े, कहता है वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। बार बार हम कहते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, अभी तक कपड़े आए नहीं हैं, अभी तक हमने खाने वाले को ऑर्डर दिया नहीं है, अभी तक हमने कुर्सी वाले को ऑर्डर दिया नहीं, जल्दी करो समय आ गया है, समय आ गया है। हेलो, है ना, फास्ट फास्ट करो जल्दी जल्दी, कार्ड बांटते अभी तक कार्ड पड़े हुआ भेट बांटे नहीं, कितनी सारी चीजें, कितना जल्दी हमें अर्थी ब्याह के लिए, पर ये जो ब्याह है ये अनोखा है, ये जो ब्याह है यूनिक है, ये जो ब्याह है बिल्कुल हटके है जो मेरा और आपका होने वाला है, उसके लिए पूरी फुलनेस पूरी तैयारी हमें करनी है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। कुछ बातें बताऊंगा फिर मैं बंद करूंगा, जल्दी से निकालिए वापस रेवलेशन 22 अध्याय में आएंगे और इसके कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा फिर हम बंद करेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। ओके, 8 वचन से पढ़ दीजिए। मैं वही यूहन्ना हूं जो ये बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर धन्यवाद करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगीदास हूँ, परमेश्वर ही को धन्यवाद कर। मालूम जब स्वर्गदूत बता रहा था तब कहता है, क्या लिखता है, जब स्वर्ग बता रहा था तो क्या लिखता है, या? मैं वह ना हूँ जो ये बातें सुनाता हूँ और देखता था, जब मैंने सुना, बोलो सुना, अब कोई आके आपको बताया कि अंबानी के बेटे के साथ मैंने आपकी बात फिक्स कर दी है तो है? कोई आपको आके बताया अंबानी के बेटे के साथ आपका ब्याह फिक्स कर दिया है तो बोले अरे बाप रे क्या सचमुच में, तो क्या लिखता है यहाँ पर, कहता है कि मैं यूहन्ना जो बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे बातें दिखाता था मैं उसके पांव पर, कहते पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। वाह क्या बात है, हालेलुया, उसके पांव पर कहता है गिर पड़ा। आगे आगे फिर कहता 10 वचन जी आगे, फिर उसने मुझसे कहा हाँ शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है कि जो अन्याय करता है वो अन्याय करता है, बाइबल कहता है समय निकट है, पहले कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ, फिर कहता है समय निकट है, फिर कहता है 10 वचन पे समय निकट है, कहता है कि इस बातों को बंद मत कर क्योंकि समय निकट है, जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन रहे और जो धर्मी है वो धर्म कहता है धर्मी बना रहे और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, और पवित्रता आने न दे, बुराइयां आने मत दे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आज मैं सुबह आपको बताया खुदा के कलाम से, मैं और आप आदर के बर्तन हैं, इसको अनादर का बर्तन मत बनाओ जो परमेश्वर तुच्छ गिने हैं, पर ये जब बर्तन आदर का है ये स्वामी का काम आने पर है। हालेलुया हालेलुया। कहता है जो अन्याय वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिनता के काम करता रहे, पर जो धर्मी है जो धर्म के काम के लिए
चुने गए वो धर्म के काम करते जाए, क्योंकि प्रतिफल देने के लिए आपका दूल्हा शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। और जो पवित्र किया गया है, जो उसके मेमने के लहू से धोया गया है, वो मेमने के लहू से खरीदा गया है, वह उसके लिए अपने आप को पवित्र बना करके रखे। एक ही बात से मैं किसी के आगे, कहता किसी के आगे नजर नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे दूल्हे को बातें पसंद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता जो पवित्र है वो अपने दूल्हे के लिए अपने आप को पवित्र बनाए रखे, जो धर्मी है अपने दूल्हे के लिए अपने आप को धर्मी बनाए रखे और धर्म के काम करते रहे, पवित्रता में अपने आप को संवारे, पवित्रता में अपने आप को बनाए रखे, ये सोच कर एक दिन जल्दी आने वाला है, समय बहुत निकट है, मैं मलिन न हो जाऊंगा, मैं अन्यायी नहीं बन जाऊंगा, जिससे ये ब्याह कैंसिल हो जाए, पर मैं पवित्र हूँ, मैं धर्मी हूँ, तो मैं वो बना रहूंगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप पढ़ेंगे रेवलेशन के पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 13वां वचन को हम पढ़े, 13वां वचन से आगे, रेवलेशन 7 अध्याय उसका 13वां वचन। हालेलुया, लॉर्ड तेरा धन्यवाद। मैं नहीं जानता मेरे प्रभु आपका आज के वचन को आप कैसे ले रहे हैं, पर शक्ति खुदा आपके साथ डील करे, आपके साथ बात करे। हालेलुया, रेवलेशन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय 7 अध्याय उसका 13वां वचन छिया के, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? ये श्वेत वस्त्र किसको दर्शाता है? हेलो, पवित्रता। श्वेत वस्त्र किसको दर्शाता है? पवित्रता को। श्वेत वस्त्र पहने रहो, पवित्रता को धारण करते रहो, धर्म के काम करते जाओ, इनाम आपके दूल्हे के हाथ में है। हालेलुया, प्रतिफल आपके दूल्हे के हाथ में है। इसलिए कहता जो मलिन है वो मलिन रहे, जो अन्यायी है वो अन्यायी बना रहे, पर जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, क्योंकि आपका मेरा दूल्हा शीघ्र आने वाला है। आमेन। और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल उसके हाथ में है। वह कहता है प्राचीनों ने कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है महाक्लेश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्रेष्ठ किए हैं। हालेलुया। महाक्लेश, मालूम महाक्लेश आने वाला है। हेलो, महाक्लेश में भी वो अपने आप को अशुद्ध नहीं किए, उस महाक्लेश में भी अपने आप को पवित्र बनाए रखे, उस महाक्लेश में अपने आप को धर्मी बनाए रखे। हालेलुया। उस विपत्ति के समय में, उन तकलीफों के पलों में भी खुदा को अपने आप को उसके लिए पवित्रता के साथ वो अपने आप को प्रभु के हजूरी में बना करके रखे। कहता वो उनको श्वेत वस्त्र पहनाया गया और वो वस्त्र कहता है मेमने के लहू से धोकर कहता है श्वेत किए गए हैं। हालेलुया। ये हमारे मसीह का कैसा रक्त है। जब आप कोई भी मेमने को लो या लहू, इंसान की लहू या बकरे का लहू हो, यदि आप अपने श्वेत वस्त्र को उस लहू में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, राइट। परंतु मेमने का लहू, यीशु का लहू ऐसा है, कहता है उस लाल रंग में जब वो डाला गया तो श्वेत बन करके निकला, पवित्र बन करके निकला। आमेन। इसलिए कहता है तेरे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो हीम के समान श्वेत हो जाए, लाल रंग के हो, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, यशायाह की पुस्तक 1:15 लिखा है, तेरे पाप चाहे लाल रंग के हो, जब मेमने के लहू में तेरे वस्त्र धोए जाएंगे, तेरा जीवन धोए जाएगा, तो तू पवित्र श्वेत बनकर निकले। आमेन। और कहता है ये मेमने के लहू में धोए गए हैं और धो करके कैसा किए गए? पवित्र, श्वेत के पवित्र बनाए गए हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्यों पवित्र बनाए गए? क्योंकि अब वो शीघ्र आने वाला है, उसका आना बहुत निकट है। इसलिए रेवलेशन की पुस्तक उसका उसका 22वां अध्याय का 14वां वचन देखो क्या कहता है। 14वां वचन को 14, धन्य है वे
जो वश के वस्त्र को धो लेते। चार धन्यता है यहाँ पर। पहला धन्यता क्या है? जो भविष्यवाणी की बातों को मानता है। दूसरा है जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। तीसरा है जो भविष्यवाणी के इस वचन को सुनता है। और चौथा है धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। अपने वस्त्र को, अपने जीवन को एवरी डे शुद्ध करो, पवित्र करो, पवित्रता धारण करके रखो, पवित्रता को पहन के रखो, अपने आप को होली बनाओ, अपनी आंखों को पवित्र करो, क्योंकि आंखें ज्वालामय है। हालेलुया, ये आंखों में गंदगी बुराइयां ना लस नहीं हो, मन में कल्पनाओं में गंदी कल्पना बुरी कल्पनाएं नहीं हो, क्योंकि आपके दूल्हे के अंदर पूरी होलीनेस है, उसके विचार उसकी कल्पना पाक और पवित्र है। हालेलुया, जैसा दूल्हा हो वैसा उसकी दुल्हन हो। अब इन दोनों में तालमेल ना हो तो पटरी में गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए आमोस 3:3 में लिखा है, यदि दो मन एक साथ सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। हेलो, हालेलुया, दो मन एक साथ सहमत ना हो तो वो एक साथ नहीं चल सकते। अब पत्नी बोले मुर्गी का एक ही टांग है, पति बोले नहीं एक टांग नहीं दो टांग है, वो नहीं मुर्गी का एक ही टांग है तो गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि दुनिया जानती है मुर्गी के दो टांग होते। हेलो, हालेलुया, इसलिए पूरी तालमेल बनाना चाहता आने से पहले पवित्र आत्मा। आज मैं मेरे बच्चे लोग जब भी खाना खाने बैठते तो ये किसी न किसी का कोई न कोई करेक्टर को उसका मूवी देखने लगते हैं। जेलिया हो गया, दाऊद हो गया, सैमसन हो गया, ये सब किसी का करेक्टर का मूवी लगा देते। तो आज अब्राहम का उसने लगाया, तो जब वो खा रहे थे तो मैं भी सुन रहा था। तब जब अब्राहम ने एलियाजर को भेजा, उस मूवी में था, जब उस एलियाजर अब्राहम ने एलियाजर को भेजा रिबका को लाने के लिए, तो मालूम कितना किलोमीटर चल के गया? किसी को मालूम है? 600। कितना? 600। उस समय कोई गाड़ी नहीं था, किसके पे गया था? वो ऊंट पे गया था। 600 किलोमीटर ऊंट के ऊपर कल्पना कर, बॉम्बे से आ गया। हेलो, लाने के लिए 600 किलोमीटर, और रास्ते में 600 किलोमीटर रास्ते में पूरा एलियाजर जो है वो रिबका को इसहाक के बारे में हर चीज बताने लगा, और पूरा रिबका ने समझ ली कि मेरा दूल्हा ऐसा है। आज कई हजारों सालों से पवित्र आत्मा बता रहा है तेरा दूल्हा ऐसा है, उसका स्वभाव वैसा है, वो ऐसा पवित्र है, वैसा कहता है वो शोभायमान है। हालेलुया, अपने जीवन की तैयारी कर ले। वचन में लिखा है, रेवलेशन कहता है, यूहन्ना कह रहा है, 22:14 कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। क्लीन योर क्लोथ, अपने वस्त्र को धोना मीन्स अपने जीवन को साफ करना। आप कोई ऐसे वैसे दूल्हे के साथ खड़ा होने नहीं जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, आप मालूम किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? वो करोड़ों स्वर्ग दूत उसको दंडवत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हजारों की भीड़ में जब आपका दूल्हा खड़ा हो और आप उसके साथ खड़ा हो तब अहमियत मालूम चलता है। आमेन, हालेलुया, तब आपको मालूम चलेगा कि मैं सचमुच में क्या हूँ मेरे दूल्हे के लिए। आमेन, जब करोड़ों स्वर्गदूतों के बीच में आप अपने दूल्हे के साथ खड़े होंगे, उसके लिए अपने जीवन की तैयारी करो, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, क्योंकि मैं उस दूल्हे के लिए अपने आप को सजाऊंगा। उसे कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते। प्लीज क्लीन योर बॉडी, क्लीन योर थॉट, क्लीन योर आइज,
क्लीन योर माइंड, क्लीन योर हैंड, क्लीन योर लेग, एवरी पार्ट्स ऑफ बॉडी प्लीज क्लीन, क्योंकि आपको मालूम नहीं किसके साथ आप खड़े होने जा रहे हो, आपको मालूम नहीं आपका दूल्हा कितना होली है, आपको मालूम नहीं आपका दूल्हा कितना पाक और पवित्र है, और वो बार बार कह रहा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, मेरे आने का समय बहुत निकट है, अपने जीवन की तैयारी कर ले, अपने आप को शुद्ध कर ले, मेमने के लहू से अपने आप को धोकर पवित्र बना, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। हालेलुया। पर आगे लिखा है 14 वचन के आगे, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होगा। मालूम जब दूल्हा लेके जाता है, मेरी पत्नी आई उस समय प्रभु के दास पास्टर मुझे देवी साहब थे, पूरा रेचल बेला था, और जब हम आए मेरी पत्नी को लेकर के आए तो दरवाजे पे उन्होंने हमारा स्वागत किया है ना, और जो भी है वो कुछ करते है उन्होंने किया, उसके बाद फिर दरवाजा खोला, हम फाटक के अंदर घर के अंदर आए। हालेलुया। थिंकर विचार कर करता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं क्योंकि वे उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे नगर से होकर फाटकों से होकर के नगर में प्रवेश करेंगे। दूल्हा बरातियों के साथ आएगा और कहता है अपने धूमधाम के साथ, कहता वो फाटकों से होकर नगर के अंदर स्वर्गीय नगर में हम इंटर होंगे, प्रवेश करेंगे, पर उसके पहले कंडीशन है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, वही उन्हें ही अधिकार मिलेगा, वही अधिकारी होंगे कि उस नगर के अंदर स्वर्गीय नगर में वो अपने दूल्हे के साथ प्रवेश करें। हालेलुया। एक दो वचन पढ़ूंगा फिर मैं बंद कर दूंगा, कोई मेरे साथ निकाले जल्दी से, रेवलेशन की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय का 2 वचन को हम पढ़ेंगे और 21वें अध्याय का 12वां वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ, उस नगर के सड़क के बीचों बीच नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। 21:12 पढ़ो। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इसराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। 27वां वचन को पढ़ो। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। हालेलुया। सभी चीजें नगर की बनावट है, नगर की रचना है जो इसमें लिखा हुआ, किस तरह से बनम जब भी ब्याह का टाइम हो ना तो घर में देख रहे पुरनिये जो आते जो वड़ील होते घर देखते हैं क्या करता है लड़का है ना, क्या है उसकी संपत्ति क्या है, सारी चीजें देखते हैं। ये होना सब लिख रहा है, जिस नगर में जिस घर में तू डालने वाला है वहाँ की सड़कें कैसी है, तेरे दूल्हे की जो गांव की जो घर की जो शहर की जो सड़कें कैसी है, सोने की है, उसका जो दरवाजा है मोतियों का है, जहां आपको लेके जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। पर कहता है यहाँ पर लिखा है कि पर कौन प्रवेश करने नहीं पाएंगे, 27वां वचन, अपवित्र व्यक्ति प्रवेश करने नहीं पाएगा, इसलिए यूहन्ना कहता है धन्य वे है जो अपने वस्त्र को क्या करता है, धो लेता है। अपने आप को शुद्ध करो, एवरी डे क्लीन करो। मैंने कहा ना, जितना ज्यादा आप होलीनेस में बढ़ोगे उसका अभिषेक आपको उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आप होलीनेस में आप और बढ़ते जाएंगे उसकी सामर्थ उतना ही ज्यादा आप में बढ़ती जाएगी। आमेन। हालेलुया। एक बात आमसी साहब ने नड़ियात में कहा कि खुदा की इस पवित्रता में और उसके अभिषेक में जब हम बढ़ते हैं
वो दिन आएगा दुनिया आपको आदर की नजरों से देखेगी, आपके सम्मान की नजर, आपका धन दौलत हर चीज, कोई आपका बाइबल उठाने वाला होगा, कोई आपका बैग उठाने वाला होगा, कोई आपको पानी पिलाने वाला होगा, कोई आपके कपड़े इस्त्री करने वाला होगा, ऐसे सम्मान ऐसा मान वो खुदा उत्पन्न कर देगा। इसलिए ना यूहन्ना कहता है अभिषेक जब आएगा अभिषेक सब कुछ करा देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्रता को चाहो, पवित्रता को प्यार करो। ये संसार गंदा है, इस संसार का सरदार गंदा है, वो आपको नहीं चाहता कि आपको उस दूल्हे के लिए तैयार करने दे, इसलिए चार चांद की बुराइयां लेकर हमारे अंदर डालता है कि हमें अपवित्र कर दे, क्योंकि वचन में लिखा है अपवित्र लोग उसमें प्रवेश करने नहीं, और वो यही चाहता है कि हम अपवित्र रहे। पर खुदा का वर्ड में यूहन्ना कह रहा है क्लियर, मान तेरे दूल्हे को पवित्रता पसंद है, मान इस बात को अपने जीवन को मेमने के लहू से धोकर पवित्र कर ले। एवरी डे एवरी नाइट एवरी पल प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि तू नहीं जानता उसका आना कब होगा। हालेलुया, हालेलुया। एवरी डे प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप जीवन की तैयारी कर। पर आगे लिखा है और इसमें अपवित्र लोग प्रवेश करने नहीं पाएंगे, घृणित काम गड्ढे काम करने वाले, हाँ झूठ का, हम बड़ी आसानी से कुछ भी झूठ बोल देते, कहता झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश करने नहीं पाएगा। हमारे चार बाप है, यदि हम आगे को ना माने तो पहला बाप स्वर्गीय पिता, दूसरा बाप जिसने आपको मुझको पैदा किया सांसारिक पिता, तीसरा बाप बोलो तीसरा बाप अरे वो पास्टर, वो आपका पिता है, पास्टर आपका पिता है, चौथा तीसरा पिता वो पिता है जो पास्टर चर्च का पास्टर है, वो आप उसके बच्चे हो, वो पिता है, और चौथा है झूठ का पिता जो शैतान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर आप और हम कहते हमारा तीन ही पिता है, एक जो स्वर्ग में है, दूसरा जिसने मुझे पैदा किया, और तीसरा जो मेरे पास्टर है। हालेलुया, और चौथा कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं बनने पाएगा। हालेलुया, ओके। लास्ट में वचन बंद कर दूंगा, 14 को पढ़ दिए, 14 का एकदम पूरा खत्म करके फिर बंद। 22 का 14, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मालूम अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष रखा गया, क्या था मालूम जीवन का वृक्ष, कोई बता मुझे क्या था जीवन का वृक्ष? इतना सोचने की जरूरत है, वो जीवन का वृक्ष वो था जिसका फल यदि आदम और हवा खा लेता तो वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता। पर इसलिए उसके लिए रखा था, अमरता का जीवन आदम के पास था, वो लाइफ जो परमेश्वर ने आदम के अंदर स्वर्ग से लेकर आया था, उस लाइफ में मृत्यु नहीं थी, वो अमरता धारण किए हुए था, उसको फल की जरूरत नहीं थी। हेलो, ऑलरेडी उसके अंदर मृत्यु था ही नहीं, मृत्यु था क्या, मृत्यु तो बाद में आया, वो अमरता धारण किए हुए था। हालेलुया, पर अब कहता है मैं वो अधिकार दूंगा कि तू जीवन के वृक्ष के पास आए और उसका फल खाए। आमेन, क्योंकि मैं और आप अमरता धारण करने वाले, बोले दूसरे से बोलो मैं और आप, कहता बोले दूसरे से मैं अमरता धारण करने जा रहा हूँ। आमेन, हालेलुया, धारण करने जा रहा हूँ, क्या अमरता धारण कर लिया है। आमेन, हालेलुया। जैसे आदम ने अमरता धारण कर लिया था फिर भी परमेश्वर ने जीवन का वृक्ष लगा करके रखा था, पर जब पाप किया तो क्या किया उसने, पहला काम क्या किया, वो
जीवन के वृक्ष को वहां से हटा दिया है। हालेलुया। पर अब कहता मैं वो अधिकार दूंगा किसको, जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। वर्ड कहता है बहुत सारे वचन हैं जीवन के वृक्ष के ऊपर, कहता है कि मैं अधिकार दूंगा कि तुझको जीवन के वृक्ष पे निकट आने का अधिकार दूंगा। की हाँ 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 पर कहता है पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला और झूठ का गढ़ने वाला बाहर है। पांच कुंवारियां बाहर थी और पांच कुंवारियां अंदर थी। अब बाइबल कहता है एक लिया जाएगा दूसरा छोड़ा जाएगा। आमेन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वर्ड कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष पास आने का अधिकार मिलेगा और वो अपने फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, जीवन का वृक्ष के फल उनको दिया जाएगा। आमेन हालेलुया। तो मैंने आपको चार बातें बताया। पहली बात में कहता धन्य है वे जो वचन को मानता है, धन्य है वे जो वचन को पढ़ता है, धन्य है वे जो वचन को सुनता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते, क्योंकि उनको जीवन के वृक्ष पर आने का अधिकार मिलेगा। वो कहता है फाटकों से होकर नगर में इंटर करेंगे और वहाँ धूम मच जाएगी, करोड़ों स्वर्ग दूत आपकी तैयारी में होंगे, करोड़ों स्वर्ग दूत आपके कहता है स्वागत में खड़े होंगे, दूल्हा आएगा और लेकर के जाएगा और पिता आपको गले लगा कर कहेगा धन्य है मेरे विश्वासी दास, धन्य है मेरे विश्वासी दासी, स्वर्ग में तेरा स्वागत है। पर कहता कुत्ते टोने व्यभिचारी और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला नगर के बाहर। अपनी आंखों को बंद करिए, स्थानों में हम खड़े हो जाए। हालेलुया रिबा शकतुना मंदा यदा लिबो रिबा रबा। धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिताजी लॉर्ड, जो लोग यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, खुदा आपको बहुत की आशीष दे। मेरे भी अंतिम दिन है, ये अंतिम पल है, अपने जीवन की तैयारी कर लो, अपने आप को प्रिपेयर करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता को चाहता है, अशुद्धता से वो घृणा करता है, गंदे काम करने वालों से घृणा करता है। अपने जीवन के पापों की तौबा कर लो, अपने जीवन के पापों को मान लो, यीशु के लहू से अपने आप को धो के पवित्र करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्रता को प्यार करता है। यदि आप चाहते कि आपका दूल्हा स्वर्ग से आए आपको ले जाए, अभी अपने वस्त्र को धो लो, अपने जीवन को धो, क्योंकि वो जब आएगा वो अपने साथ आपको ले जाएगा कि जहां वो रहे वहां आप भी रहे। ब्लेस हो, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको अनुग्रह दे और आपके जीवन के पापों को क्षमा करे और प्रभु अपनी पवित्रता से आपको पूरी तरह से शुद्ध करे। गॉड ब्लेस यू। आइए